लास्ट एपिसोड में तांडी गांव से रूबरू होने के बाद मैं पहुंचा था जी भी जहां मैंने जंगल बुक होमस्टे में रात बिताई और आज सुबह सवेरे कॉफी का एक घूंट लेकर मैं निकल गया जी भी को थोड़ा और नजदीक से जानने के लिए, जिसमें मेरा साथ दे रहे हैं खुद सनी भाई। और इस एपिसोड को और भी स्पेशल बनाने के लिए हमारे साथ है गूगल, जो कि सनी भाई का पेट डॉग है। रास्ता थोड़ा स्टीप है जिसकी वजह से मेरा सांस भी फूल रहा है, लेकिन मुझे ताजा दम रखने का काम कर रहे हैं ये सरसब्ज रास्ते, ठंडी ठंडी हवा और सुबह का ये पुरसुकून वक्त। जहाँ एक तरफ लोगों का डेली रूटीन रफ्तार पकड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ बच्चे भी स्कूल जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए जी भी वाटरफॉल, जिसके एंट्री गेट के सामने अभी स्टॉल्स लगने की तैयारी चल रही है। इसी के साथ काउंटर से 20 रुपए का टिकट लेकर हम पर चले वाटरफॉल की ओर। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए ये दिलकश और पुरकशिश रास्ता ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ आने वाले लोगों के लिए ये जगह प्राइम अट्रैक्शन क्यों मानी जाती है। आखिरकार खूबसूरत वाटरफॉल हमारे सामने है। वैसे तो आमतौर पर यहाँ आपको काफी लोग मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ मैं अकेला हूँ और यही बात मेरे एक्सपीरियंस में चार चांद लगा रही है। इस वाटरफॉल की गहराई करीब 2 फीट होगी और इसका पानी इतना साफ है कि शीशा भी शर्मा जाए।
थोड़ी देर अंदर टाइम स्पेंड करने के बाद मैं बाहर आ गया जहां गूगल मेरा वेट कर रहा है। शॉपिंग स्टॉल्स भी अब पूरी तरह तैयार हैं, जहां तमाम तरह के लोकल और ट्रेडिशनल सोवेनियर आइटम्स अवेलेबल हैं। इसके बाद एक छोटा सा चाय ब्रेक लेने के बाद हम चल दिए कोल्ही कतांदी की तरफ। अगर हम बात करें जीबी की, तो पिछले कुछ सालों में इस जगह ने काफी पॉपुलैरिटी गेन की है। यहाँ पर आपको काफी अफोर्डेबल रेट्स पर होटल्स और होम स्टेस मिल जाएंगे, जिसके साथ यहाँ कैफेज की भी वाइड वैरायटी अवेलेबल है। यहाँ से शुरू होता है कोल्ही कतांदी, जिसको मिनी थाईलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जहां तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ी देर नीचे की तरफ ट्रैक करना है। यहाँ पहुँचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जितनी तारीफ मैंने इस जगह की सुनी थी, ये जगह उससे ज़्यादा यूनिक और उससे भी कहीं ज़्यादा प्यारी है। यहाँ पर कुछ वक्त बिताकर हम होमस्टे वापस आ गए, जहाँ मैंने तैयारी शुरू की जीबी से रवानगी की। गूगल को एक प्यारा सा अलविदा कहकर मैंने ली सनी भाई और रचना दीदी की दुआएं और इनका शुक्रिया अदा करके निकल गया अपनी अगली मंजिल की तरफ। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपनी मोहब्बत जाहिर करने के लिए लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अगले एपिसोड में मैं और आप पहुंचेंगे लाइडा विलेज और मज़ा लेंगे लाइडा के उन एक्सपीरियंसेस का, जिनका तस्वुर करना भी किसी हसीन ख्वाब से कम नहीं। टिल देन, स्टे ट्यून्ड टू गो ऑफ बीट With Offbeat Minds.